आज आप हमारे साथ झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के कोदंबरी से मंडरो तक की ग्रामीण सड़क पर यात्रा करेंगे। कोदंबरी कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग पर अवस्थित एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ के लोगों की आय का मुख्य स्रोत खेतीबाड़ी और व्यवसाय है। अभी हम कोदंबरी से गुजर रहे हैं। अब हम कोदंबरी चौक पर पहुंच रहे हैं। कोदंबरी चौक से बाई ओर मुड़ने पर हम कोदंबरी मंडरो मार्ग पर आ जाते हैं, जबकि कोदंबरी चौक से सीधे जाने पर हम जमुआ पहुंच जाएंगे। हम बाई ओर मुड़कर कोदंबरी मंडरो मार्ग पर आ गए हैं। इस मार्ग में एक समय पर एक साथ अगल बगल से दो गाड़ियां नहीं गुजर सकती हैं, क्योंकि यह एकल मार्ग यानी सिंगल रोड है। कोदंबरी से मंडरो की ओर यात्रा के दौरान हम गुजरोबाद, लवनिया, मानिकबाद, बंगारो और बरवाबाद गांव से गुजरते हुए मंडरो पहुंचेंगे। इस मार्ग में सबसे बड़ा गांव मानिकबाद है। यह पूरा मार्ग ग्रामीण इलाके से गुजरता है। इस मार्ग के दोनों ओर केवल खेत और गांव हैं। अभी मई का महीना है और आप इस मार्ग के दोनों ओर परती खेतों को देख सकते हैं। यहां सिंचाई का कोई साधन नहीं होने के कारण बारिश के मौसम को छोड़कर अन्य मौसम खेत सूखे रहते हैं। सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण किसानों को रोजगार के लिए इन गांवों से शहरों और महानगरों की ओर पलायन करना पड़ता है। आप इन गांव से हुए पलायन का अनुमान बंद पड़े घरों को देखकर लगा सकते हैं, या परिवार के रोजगार सक्षम सदस्यों के घर में नहीं होने से लगा सकते हैं। हमें इस मार्ग से गुजरते हुए केवल सूखे और परती खेत दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं भी खेतों की सिंचाई के लिए कोई भी साधन नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें इस मार्ग पर कच्चे और पक्के दोनों तरह के घर दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से कुछ घरों की छतें खपरेल की हैं। इस मार्ग में आबादी नगण्य है। सड़क पर भी
लोगों की आवाजाही नाम मात्र की है। यह एकल मार्ग यानी सिंगल रोड अभी नया बना हुआ है और काफी अच्छा है। इस मार्ग से गुजरते हुए हमें यह महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम ग्रामीण सड़क से गुजर रहे हैं। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, लेकिन काफी गर्मी है। इस मार्ग से गुजरते हुए हमें ग्रामीण जीवन की झलक दिख रही है। इस मार्ग पर बसे हुए लोगों के आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी नगण्य है। इस पूरे मार्ग में यात्रा के दौरान मात्र 2 तालाब ही दिखाई पड़े, जो स्थानीय लोगों को पानी की केवल दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। इससे खेतों की नियमित सिंचाई की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि इन दोनों तालाबों में अभी पानी की मात्रा मात्र 2.5 से 3 फीट है। अगर इन तालाबों से खेतों को पर्याप्त पानी मिल पाता तो इन दोनों तालाबों के आसपास खेतों में हरियाली दिखाई पड़ती। किसानों के गांव से पलायन की मुख्य वजह सिंचाई की व्यवस्था नहीं होना है। इस मार्ग से गुजरते हुए हमें बड़े वृक्ष बहुत ही कम दिखाई पड़ रहे हैं। गुजरोबाद, लबनिया, मानिकबाद, बंगारो और बर्वाबाद गांव से गुजरते हुए यहां की ग्रामीण सड़क पर कहीं भी कचरा नहीं दिखाई पड़ा। पूरी सड़क साफ सुथरी है। इन गांव के लोगों की एक अच्छी आदत यह है कि यहां के लोग सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं। इन सभी गांवों में बिजली उपलब्ध है। इन गांवों की ज्यादातर आबादी दैनिक जरूरत की पानी के लिए कुएं पर निर्भर है। लगभग 8.5 किलोमीटर के इस मार्ग में मात्र 2 ही गति अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर्स हैं, जिस वजह से इस मार्ग से गुजरने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। इन दोनों गति अवरोधकों यानी स्पीड ब्रेकर्स की ऊंचाई लगभग 6 इंच है, जो मानक ऊंचाई से अधिक है और ये सड़क पर दोनों बिना ढाल किए हुए खड़े बनाए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मानक के अनुसार सड़क पर बने हुए स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई 0.1 मीटर यानी 3.93 इंच होनी चाहिए और इसके ढलान का फैलाव 3.7 मीटर होना चाहिए। ताकि स्पीड से आते हुए वाहनों की गति भी कम हो जाए
और वाहन सड़क पर उछलकर दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए। कोदंबरी से मंडरो तक बसे हुए गांव का मुख्य बाजार कोदंबरी और मंडरो ही है। मंडरो भी एक छोटा सा कस्बा है, किंतु मंडरो में कोदंबरी की अपेक्षा बड़ा बाजार है और यहाँ दैनिक जरूरत के अलावा फर्नीचर, कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सीमेंट छड़ की दुकानें पर्याप्त संख्या में हैं। इसके अलावा यहाँ दुपहिया वाहन के शोरूम, पेट्रोल पंप, ट्रैक्टरों की मरम्मत के कारीगर, दुपहिया वाहनों के मरम्मत के कारीगर, ग्रिल व गेट बनाने की दुकानें, अल्मुनियम के खिड़की दरवाजे बनाने की दुकानें इत्यादि है। मंडरो में एक बैंक भी है। मंडरो के लोगों की आय का मुख्य साधन खेती बाड़ी और व्यवसाय है। मंडरो में फर्नीचर बनाने की दुकानें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। यहाँ के कारीगर नक्काशीदार फर्नीचर बनाने में सिद्धहस्त हैं। दुकानों में लगे हुए नक्काशीदार फर्नीचरों को देखकर इन कारीगरों की सिद्धहस्तता आंकी जा सकती है। कोदंबरी और मंडरो के बाजार में आसपास के किसान सुबह के वक्त ताजी सब्जियां बेचने के लिए लाते हैं। वैसे तो किसान दिन भर इन बाजारों में रहते हैं, किंतु सुबह के वक्त इनकी तादाद ज्यादा होती है। इनके द्वारा उगाई जाने वाली सब्जियों में रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग किया जाता है। ये उर्वरक के रूप में गोबर का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग करने की वजह से इन सब्जियों खाने पर इनका वास्तविक स्वाद महसूस होता है। इस मार्ग से गुजरने पर आप यहाँ के बाजार से जैविक खाद से उगी हुई ताजी सब्जियों को खरीद सकते हैं। कोदंबरी से मंडरो तक कहीं भी चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ के लोगों को चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए राजधनवार, जमुआ या गिरिडीह जाना पड़ता है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चे जिला मुख्यालय गिरिडीह या झारखंड के अन्य जिलों में जाते हैं और कुछ बच्चे अन्य राज्यों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।